मैं डॉक्टर अध्यक्ष प्रसाद, हृदय रोग से संबंधित जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसका यह छठा वीडियो है। छठा वीडियो में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, जिस रोग पर भी वीडियो बनाता हूँ, मेरी दिली तमन्ना ये रहती है कि उस रोग को संपूर्णता के साथ उसका वीडियो बनाओ, जितने उस रोग के संबंध में जितने भी लक्षण लोगों को दिखाई पड़ते हैं उस सारे लक्षण को शामिल करो और उस सारे लक्षणों से संबंधित दवा मैं बताऊं, ताकि हर एक जो भी हृदय रोग से संबंधित व्यक्ति हैं, आप हों या आपके सगे संबंधी हों, जो भी हों, प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ मेरे सीरीज में लाभ मिल जाए। इसके लिए वीडियो, एक वीडियो तो है नहीं, इसमें तो अनेक वीडियो हैं। प्रत्येक व्यक्ति को, आप हों चाहे आपके सगे संबंधी हों, अगर हृदय रोग से पीड़ित हैं तो मेरा प्रत्येक वीडियो देखिए, आपके लिए कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। चाहे आप जिस रोग से संबंधित हों, आप अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो भी उससे संबंधित आपको खान पीन कैसे परहेज करना है, क्या उसका कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है हृदय रोग में, किस प्रकार से परेशानी करता है, किस प्रकार से उसका निदान किया जाए, ये भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके हृदय के यंत्र संबंधी, हृदय यंत्र संबंधी अगर बीमारी है तो उसके संबंध में भी मैं लक्षण के आधार पर होम्योपैथिक दवा बता रहा हूँ। आप वीडियो देखेंगे तो आपका लक्षण मिलेगा और लक्षण से संबंधित दवा अगर लेंगे तो आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, आप या आपके संगे संबंधित कोई भी हृदय रोग से संबंधित है, हृदय रोग मैंने जिनको लग गया है, अगर वो कहीं इलाज करा रहे हैं, इलाज कराने के बाद, दवा चलते हुए के बाद अगर उन्हें परेशानी रहती है, परेशानी जाती नहीं है, तो वो लोग भी वीडियो देखें। जिस प्रकार की परेशानी है, जिस प्रकार का लक्षण उनमें है, वो लक्षण अगर मेरा सारा वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लक्षण आपको मिल जाएगा। आप वो दवा संबंधित दवा आप नोट कर लें और वो होम्योपैथिक दवा दुकान से ला करके आप जिस तरह से बताएं उस तरह से खाएं, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये होम्योपैथिक दवा अथाह समुद्र है। इसे खोज करके आप लोगों के लिए बड़ी परेशानी से मैं निकालता हूँ और मैं आप लोगों को लक्षण सहित बताता हूँ। इसे आप, ये वीडियो आप सबों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसे आप ध्यान से सुने और आप लाभ उठाएं। होम्योपैथिक में हृदय रोग की ऑरम मेटालिकम एक बहुत ही अच्छी दवा है। ऑरम मेटालिकम, मैं उसी का लक्षण भी बताऊंगा। ऑरम मेटालिकम दवा होम्योपैथिक की है, वो हृदय रोग में बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत ही कारगर है। इसका एक अपना लक्षण है, एक जिस लक्षण के आधार पर इसे होम्योपैथिक दवा में होम्योपैथिक ऑरम मेटालिकम की पहचान की जाती है। आप भी पहचानिए कि किस प्रकार का लक्षण है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ऑरम मेटालिकम का रोगी जो होता है वह हृदय रोग के साथ वह श्वास रोग से भी पीड़ित होता है, वह दमा एवं अन्य श्वास कष्ट से भी पीड़ित होता है। इस रोगी को कष्टदायक श्वास प्रश्वास रहता है, कष्टकर श्वास प्रश्वास जो होता है, जो दमा टाइप का कष्टकर श्वास प्रश्वास जो होता है, वह दो प्रकार का होता है। एक में जिससे फेफड़ा आपका लंग्स प्रभावित रहता है, लंग्स में गड़बड़ी के कारण है वह सांस कष्ट होता है। लेकिन दूसरा हृदय रोग, आपके हृदय में अगर परेशानी है, किसी प्रकार का रोग है, तो उससे भी सांस कष्ट होता है। तो ऑरम मेटालिकम का जो रोगी होगा उसमें हृदय रोग के साथ सांस कष्ट की भी समस्या दिखाई पड़ेगी। एक तो वह जिसके फेफड़ा आक्रांत रहता है, दूसरा जिसमें हृदय के कारण श्वास रोग होता है। ऑरम मेटालिकम हृदय रोग की प्रकृति ऐसी होती है जो श्वास कष्ट दम्बा जैसी अवस्था से
स्थापित होने दोनों इसमें होता है। इसमें बात का भी लक्षण पाया जाता है। इसमें बात का लक्षण है जोर के संधि, आपके जोर के संधि में दर्द रहता है। अभी केहनी में दर्द है, कभी ये इसमें यहाँ पर दर्द है, कभी ठेहुना में दर्द है, ये इस प्रकार का विभिन्न जगह से आपको जोर का दर्द आपको अनुभव होगा। इसके बाद दर्द जो है यह पूरा जगह घूमते रहता है, एक जगह नहीं रहता, कभी यहाँ कभी वहाँ, और ये दर्द जो है अंत में लगता है कि आकर के हृदय में ठहर गया है। वह दर्द वहां से आराम हो रहा है और दर्द धीरे धीरे हृदय में ठहर गया है। हृदय में लगता है कि हृदय में मेरा एंजाइना शुरू हो गया है, एंजाइना महसूस होता है, बहुत घबराहट होती है, घबराहट के साथ बहुत ज्यादा धड़कन भी होती है, तेज चलने के समय, सीढ़ी चलने चढ़ने के समय, इनका पैर भी निचला अंग जो है वह उसमें सूजन भी आ जाता है, वो निचला अंग जो है वह फूल भी जाता है, हृदय पर दबाव का एहसास मालूम होता है। और ये सब लक्षण आपको लगे कि पैर फूल जाए, सीढ़ी चढ़ने पर छाती में दबाव का अनुभव हो, दर्द का अनुभव हो, श्वास कष्ट हो, अगर ये सब बातें हैं तो आप ऑरम मेटालिकम ले आए, और ऑरम मेटालिकम जो है वह 200 पावर में ले आए, 200 पावर में सुबह दोपहर शाम दें, देखेंगे इस रोगी को धीरे धीरे जो है वह आराम मिलना शुरू हो गया। दोस्तों दूसरा होम्योपैथिक दवा जो है वह ऑरम म्यूडिटिकम, ये दूसरी दवा जो है इसका मैं लक्षण बता रहा हूँ। ये भी होम्योपैथ में हृदय रोगों का एक अपना लक्षण है, एक अपना पिकुलियर लक्षण है, जिस लक्षण के आधार पर आप इस ऑरम म्यूर को आप चुन सकते हैं। ऑरम म्यूर का क्या लक्षण है? ऑरम म्यूर का लक्षण है उसका चेहरा जो रहेगा वह झूठी लालिमा लिए हुए रहेगा, उसके चेहरा में, उसके शरीर में खून की कमी है, खून बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन तो भी चेहरा पर जो है वह लालिमा रहेगा, और लालिमा क्या कर रहेगा, उसके गर्दन पर चकत्ते के समान गोल घेरा बनाए हुए, गोल घेरा जैसे बंधा, गोल घेरा बंधा लाल चेहरा रहेगा। और ये लाल चेहरा क्यों रहेगा? ये लाल चेहरा रहेगा शिराओं के, वेन के अवरोध के कारण, वेन में खून के सही सप्लाई अवरोध होता है, सही सप्लाई नहीं होती है, सप्लाई होने में कठिनाई होती है, जिसके कारण खून जमा होने के कारण उसके चेहरे पर गोल घेरा जैसे लालिमा बन जाता है। इसमें थोड़ा सा भी ये व्यक्ति परिश्रम करेगा तो कलेजा धड़कने लगता है, चलने के समय में बक्षोष्ठि यानी बक्ष के पीछे में दर्द होना शुरू हो जाता है। यह व्यक्ति जो ऑरम म्यूडिटिकम का व्यक्ति होगा उसका गर्म कमरे, गर्म कपड़े और सीढ़ी चढ़ने पर दम घुटने लगता है, जैसे दम घुट रहा हो, इस तरह से होता है। रात में इससे श्वास कष्ट पैदा हो जाता है, रात में सूखी अपेक्षित खांसी भी होती है, और तेज चलने, सीढ़ी चलने, परिश्रम करने पर धड़कन जो है एकाएक वो लुटता है, एकाएक बढ़ जाता है, और उसके बकोष्ठी के नीचे, उसके वक्ष के नीचे बहुत कष्टदायक दबाव महसूस होता है, वक्ष के नीचे बहुत ज्यादा कष्टदायक दबाव महसूस होगा, और इस तरह का दबाव महसूस होगा लगेगा कि उसका छाती फट गया, एक जगह से दूसरे जगह इसका दर्द मैंने वकोष्ठ वक्ष में छाती में दर्द होगा, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, मैंने दर्द जो है एक जगह नहीं रहता, इसका दर्द जो है हमेशा बुलते रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है, और हृदय में खींचने काटने की तरह दर्द रहता है, हृदय प्रदेश में तीव्र दबाव रहता है, यंत्रणा रहती है, इसका जलन भी होता है, इसके छाती में जो है तो जलन भी होता है, इसका नाड़ी जो है क्षुद्र होता है, तेज रहता है। अगर ये सब लक्षण आपको मिले, अगर ये सब लक्षण आपको दिखाई दे तो ऑरम म्यूडिटिकम आप दें, ऑरम म्यूडिटिकम आप 200 ला करके देंगे तो आपके रोगी को जो है वह धीरे धीरे आराम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों एक तीसरी दवा के संबंध में बता रहा हूँ जो होम्योपैथिक की एक अच्छी दवा है, वह बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड भी जो है वह हृदय रोगियों में अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। तो बेंजोइक एसिड का क्या लक्षण है? बेंजोइक एसिड का एक सा लक्षण बिल्कुल आराम से आप पहचान सकते हैं, इसके लक्षण को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका लक्षण है कि वह व्यक्ति का पेशाब जो है वह बहुत ही दुर्गंध करेगा, गंध कैसे निकलेगा, घोड़े के गंध के समान से पेशाब में इसका गंध आएगा,
और इसका दूसरा लक्षण है कि इसके हाथ और पैर में दर्द रहेगा। लेकिन हाथ पैर में अगर दर्द रहेगा तो इसके छाती में दर्द नहीं होगी, इसके हृदय में दर्द नहीं होगी। लेकिन जब इसके हृदय में दर्द होंगे तो इसके हाथ पैर का दर्द जाता रहेगा, यानी हाथ पैर का दर्द जो है वह आराम मिलेगा उसे। लगता है कि हाथ पैर का दर्द जो है वह कम हो रहा है, कम हो गया है, लेकिन छाती में दर्द, हृदय में दर्द जो है वह हो रहा है। फिर अगर हृदय का दर्द आराम हो रहा है तो फिर उसके छाती में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से पर्याय क्रम से लक्षण रहता है। अगर इस ढंग का लक्षण हो तो आप बेंजोइक एसिड 200 ले आए और बेंजोइक एसिड जो है उसे दो दो बूंद सुबह शाम रोगी को दें। आपका रोगी धीरे धीरे आराम की ओर बढ़ेगा, आपके रोगी को आराम मिलेगा। दोस्तों, अब एक ऐसी दवा बता रहा हूं जो हृदय रोगियों के लिए बहुत ही कारगर दवा है और बहुत ही आवश्यक, माने आपातकाल में काम आने वाली दवा है। ये दवा से माने बहुत ज्यादा कष्ट परेशानी जो है वह दूर होती है। वह दवा है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोर। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोर ये दवा है। इस दवा में क्या होता है, इस दवा का लक्षण है कि कहीं भी अगर खून का क्लॉट बन जाए, खून का धक्का बन जाए, तो उसको तोड़ने का काम करता है। यह दवा का लक्षण है कि खून का क्लॉट कहीं भी बन जाए, धक्का कहीं भी बन जाए, तो उसको तोड़ने का संचरण सही हो ये काम करता है। उस रोगी के हृदय में भी अगर किसी प्रकार का यांत्रिक गड़बड़ी है, वाल्व के कारण हो या उसका फैटी हर्ट हो, जिस कारण से हो, अगर हृदय में खून का रुकावट हो जाता होगा, खून कुछ देर के लिए ही सही अगर रुक करके सही फ्लो में नहीं जाता होगा, प्रेशर पड़ने के बाद भी खून अगर हृदय में रुक जाता होगा, तो उसके छाती पर एक बहुत ही लगता होगा, उसका छाती को जो है, उसके हृदय को जो है कोई हाथ से मचोड़ रहा है, कोई हाथ से पकड़ के कई हाथों से उसे दबा रहा है। उसे ऐसा लगेगा उसके छाती को, इसके हृदय को जो है किसी जंजीर कड़ी जंजीर से बांधा हुआ है, उसके पूरे छाती को, उसके पूरा छाती को जो है किसी कड़े चीज से बांधा हुआ है। उसमें फड़फड़ाने का बहुत ज्यादा घबराहट होगा, बहुत ज्यादा बेचैनी होगा। अगर इस ढंग का लक्षण अगर मिले कि छाती पर बहुत ज्यादा दबाव है, हृदय को जो है वो मचोड़ रहा है, हृदय को जो है वह पकड़ के कभी छोड़ रहा है और दबा रहा है, बहुत कड़ा हाथों से दबा रहा है, अगर इस तरह का लक्षण मिले तो आप कैक्टस ग्रैंडी फ्लोर ले आएंगे और उस रोगी को देंगे। देखेंगे कुछ दिनों में जो है वह इस तरह का दबाव जो है सब धीरे 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 ठीक हो रहा है। दोस्तों, आप ये सब लक्षण देखें, होम्योपैथिक दवा का जितना भी मटेरियल अमेरिका में जो मुझसे संभव हो सकता है, कथा समुद्र है, सारे दवा को मैं खोज के नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जितना मुझसे संभव होता है मैं दवा आपके लिए, आप अगर आपके लिए मैं लाता हूँ, उसका लक्षण बताता हूँ और दवा बताता हूँ। मेरा आपसे आग्रह यही होगा कि आप इस वीडियो को देखें, उसका लाभ उठाएं। अगर आप लेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ। अगर आपको लगता है आपके लिए, आपके सगे संबंधी के लिए ये वीडियो लाभदायक है, इसे लाइक भी करें, इसे शेयर भी अपने दोस्तों को, जो आपके सगे संबंधी उनको इस वीडियो देखने के लिए उनको शेयर करें और मेरे इस चैनल को जो है वह सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, मैं इसी आशा के साथ अब आपका ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ।